अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। शहर हैदराबाद के इलाके खाजीपुरा में मौजूद एक दरगाह के मौलाना सैयद गुलाम समदानी उर्फ मौलाना अली खादरी को धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा के रहने वाले मोहम्मद जमीलुद्दीन सिद्दीकी नामी शख्स, जो कैंसर के मरीज हैं, मौलाना अली खादरी ने सीएम केसीआर के पर्सनल असिस्टेंट का नाम लेकर इनका सीएम रिलीफ फंड के जरिए इलाज कराने का वादा किया था। और ये वादा करने पर जमीलुद्दीन सिद्दीकी से नवंबर 2020 में 2 लाख रुपए ले लिए। अब इसके बाद इनका कोई इलाज नहीं हुआ और ये मौलाना इनकी कोई मदद नहीं करे। अब आप देखिए, कहावत है बीमार की बिस्तर पे, आपने सुना होगा, ये मौलाना ने वो काम किया है। जब इनको कोई मदद नहीं मिली, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर नारजुन टास्क फोर्स पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार करके जब्ते की कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आगे की तफसीलात आप खुद जमीलुद्दीन सिद्दीकी से सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए सर। मोहम्मद जमीलुद्दीन सिद्दीकी का एक स्टेटमेंट देखा मैंने अभी, 2 लाख रुपए लिए आपने उनसे। हाँ, तो उनसे ही बात करो बारे में। उनसे क्यों बात करो आप, क्या कादरियों के नाम पे क्या बदनामी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जमीलुद्दीन खलील सिद्दीकी ओमेगा हॉस्पिटल से मैं एडमिट हूँ, और मेरा ऑपरेशन से पहले मौलाना अली खादरी मेरे पास से 2 लाख रुपए लिए थे। बोल रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर फंड से पैसे दिलाएंगे, बल्कि वो अभी तक, फिर उसके बाद में वो तो दिलाए नहीं, तो मैं बोला कि मेरे पैसे वापस करिए। अभी तक वो पैसे वापस नहीं करे। 24 नवंबर को लिए थे, 24 नवंबर को बड़े साहब आजम हॉस्पिटल के पीछे वहां पर दौरे पे आए थे, तो मैं बड़े साहब के साथ में बात करने होके गया था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कराया देता हूँ, ये कोई चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी संतोष है, इसे इमीडिएट कराया देता हूँ, 4 दिन के अंदर दिलाऊंगा आपको पैसे मेरे। और इतने 4.5 लाख रुपए जो हुए, तो मैं तो 2 लाख रुपए दिया था, अभी तक है ना वो 2 लाख रुपए मेरे वापस नहीं किए। मेरा ये फाइन दीजिए। ये मेरी ओमेगा की फाइल है, मैं ओमेगा हॉस्पिटल में हूँ। अब मेरा भी कीमोथेरेपी चल रहा है, मेरे को 12 कीमोथेरेपी करना है। एक कीमोथेरेपी 4 दिन का होता है, तो इसका लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब, 5 लाख रुपए के करीब होता है। अभी तक तो 2 सेशन हो चुके, अभी तीसरा सेशन चल रहा है। तो मैं अली खादरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे पैसे जल्द से जल्द दे दें, इमीडिएट दे दें। जो भी मेरे साथ पैसे देने में मदद करेंगे, मैं उनके बहुत बहुत दिल से शुक्रिया तक। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।